तीन चार बार यह चैनल और एक आध चैनल और भी, हमने उनको कानूनी नोटिस दिया, कार्रवाई की धमकी दी, तो फोन करके कहते साहब गलती से हो गया, हटा देते हैं। लेकिन जो नुकसान होना होता है वो हो चुका। देखिए साहब, आपके माध्यम से मैं पूरे देश के मीडिया को भी और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को, मीडिया से हमारी क्या दुश्मनी, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं, बस शर्त यह है कि काम करते रहिए अपना। और आपका काम क्या है मैं आपको बताऊं, मेरी इतनी औकात नहीं, आप मुझसे ज्यादा समझते, लेकिन इतना सबको समझ लेना चाहिए, ये जो शराफत है ना, ये हमारा गहना है, बेड़ियां नहीं है। आप ये मान के चल लें, भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल ले, दैट आर डिसेंसी इज आर शैकल, नो आई एम सॉरी, दिस इज आर ऑर्नामेंट। हम चुप नहीं रहेंगे, आज के बाद एक व्यक्ति भी, और ये भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पे ध्यान से सुन ले, एक व्यक्ति भी हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारी विरासत के खिलाफ एक शब्द बोलेगा, एक तथ्य तोड़ मरोड़ के पेश करेगा, तो वो कई कई पीढ़ियों तक उनको याद रखना पड़ेगा। ये चेतावनी मान ले भारतीय जनता पार्टी तो उचित रहेगा। जिन सांसदों ने और अभूतपूर्व मंत्रियों ने इस वीडियो को अभी भी अपने सोशल मीडिया पर रखा है, वह भी आज सुन लें, बैठे होंगे हैदराबाद में, वह भी ध्यान से सुन लें, देखते रहें हमारी कार्रवाई, आने वाले दिनों में उनके साथ कानून सम्मत कैसी कार्रवाई की जाती है। भारतीय जनता पार्टी नागपुर तक सबको। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, सुधीर चौधरी की जगह जिस एंकर को डीएनए शो होस्ट करने के लिए दिया गया था, अब वो टीवी स्टूडियो से सीधा जेल पहुंच गया है। अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस भी उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है, उनके घर पर छापेमारी की गई है। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के घर मंगलवार सवेरे छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची, लेकिन उनके हाथ अभी भी खाली हैं, क्योंकि नोएडा पुलिस ने पहले ही रोहित रंजन को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के थाना सेक्टर 20 में रोहित के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाने पर हुई FIR के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और छत्तीसगढ़ पुलिस भी इसी मामले में यहां आई है। रायपुर पुलिस जब रोहित के घर पहुंची तो उन्होंने ट्वीट कर कहा, बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए छत्तीसगढ़ पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए मेरे घर के बाहर खड़ी है, क्या ये कानूनन सही है। रोहित ने अपने ट्वीट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, SSP गाजियाबाद और ADG जोन लखनऊ को भी टैग किया। हालांकि सरकार या पुलिस ने इस ट्वीट पर कोई टिप्पणी नहीं की। रोहित रंजन के ट्वीट पर दिल्ली BJP के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लिखा, प्लीज हेल्प शलमणि त्रिपाठी जी। शलमणि त्रिपाठी ने बग्गा के इस ट्वीट के जवाब में लिखा, जी। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने कह दिया कि सूचित करने का कोई नियम नहीं है। एंकर रोहित रंजन के इस ट्वीट का जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने लिखा, सूचित करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, फिर भी अब उन्हें सूचित कर दिया गया है। पुलिस टीम ने कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट दिखाया है, आपको सहयोग करना चाहिए, जांच में शामिल होना चाहिए और अपना बचाव अदालत में रखना चाहिए। रोहित रंजन के खिलाफ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि पिछले दिनों एंकर रोहित रंजन ने अपने स्पेशल टीवी शो DNA में राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया था, इससे उनकी छवि धूमिल हुई है। दरअसल मामला ये था कि राहुल गांधी ने वायनाड में अपने दफ्तर पर हमला करने वाले लोगों को माफ करते हुए कहा था कि वो बच्चे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन रोहित रंजन ने उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर एक हिस्सा अपने शो में दिखाया और कहा कि उदयपुर कांड के आरोपियों को राहुल गांधी ने बच्चा कह दिया है और कह रहे हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, वो बच्चे थे, बच्चों से गलती हो गई। इस बयान की क्लिप वायरल हो गई, लगातार सोशल मीडिया पर इस बयान को इस तरह से दिखाया जाने लगा कि राहुल गांधी इतने संगीन आरोप के जो आरोपी हैं उनको बच्चा कह रहे हैं, तो इससे राहुल गांधी की छवि पर दाग जरूर लगा। इस मामले में छत्तीसगढ़ में एक FIR दर्ज हुई है। वहीं दो दिन पहले नोएडा में जी न्यूज के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन हुआ था, जहां पुतला फूंकने के आरोप में 19 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी।
उसके बाद से ही कांग्रेस हमलावर है और रोहित रंजन पर कई राज्यों में इस बयान को लेकर मुकदमे दर्ज हुए हैं। हालांकि रोहित रंजन ने उसके बाद माफी मांग ली थी। उन्होंने लिखा था कि गलती से मानवीय भूल से ये बयान चल गया, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन तब लोगों ने सवाल किया था कि ऐसी गलती आप अमित शाह या नरेंद्र मोदी के मामले में क्यों नहीं करते। इस मामले में कांग्रेस शासित राज्यों में कई जगह मुकदमे दर्ज हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि रोहित रंजन की मुश्किलें कम नहीं होने वाली, उन्हें गिरफ्तार कर जेल में भेजा जाएगा। हालांकि नोएडा पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। कोई अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।